अभी टाइम हो चुका है 3:57, मुझे 4 बजे एक जगह पहुंचना है। मैं पूरा वहां में जाके आपको बताता हूँ। तो अभी मैं हूँ दीमापुर में और मेरे साथ है शिफु राजकुमार अंकल। आप इनके बारे में पूरा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर में पूरा डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हैं। समरी में ये एक कुंग फू मास्टर है और आज का जो ब्लॉग है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो बेल्ट का प्रमोशन कैसे होता है। तो आज का जो ये ब्लॉग में हम लोग दिखाएगा कि ब्लैक बेल्ट का जो प्रमोशन हो रहा है उसके लिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा वो सब कैसे चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो गेट बंद है और हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। देखते हैं, आगे दिखाऊंगा। देखिए, तो अभी हम लोग होटल से यहाँ एक ग्राउंड में आया है और यहाँ पे अभी ब्लैक बेल्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, असल में ये सब जो है ये कंग फू स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम और नागालैंड कंग फू एसोसिएशन ने मिलकर मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से ना मतलब आया स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम लेने के लिए। मैंने अभी अभी एक को मिला है, वो मेघालय से आया है और अभी बहुत ऐसे अलग अलग जगह से आया है। तो आप देख सकते हैं ये वो सिफ अंकल और यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स है और अभी सुबह भी हो रहा है तो देखते हैं अभी कैसे कैसे होता है। तो अभी जो वो एग्ज़ाम चल रहा था वो अभी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अभी आप जो देख सकते हैं मैं पीछे, वहाँ में स्पारिंग होगा अभी और फिर बाद में स्पारिंग होने के बाद फिर ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेरे ख्याल से 12 बजे। और स्पारिंग होने के बाद लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वापस ड्रेसअप करने के बाद फिर बाद में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि 12 बजे जैसा होगा। तो चलो अभी देखते हैं कैसे। अभी स्पारिंग तो हो गया, मतलब मैंने देखा कि वो अंकल थोड़ा सा वो टेक्निक बता रहा था, ब्लॉकिंग कैसा करना और कैसे करके डॉज करने से बता रहा था और खुद भी थोड़ा सीख लिया। थोड़ा थोड़ा फ़ायदा है देखा इस चीज़ का, ब्लॉगिंग करने का। और अभी आप देख सकते हैं पीछे में सब लोग रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा चाय पी लिया, सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। और ये बंदर मेरे सामने ये ऑडियंस तुम कितना बजे उठा रहा? मुझे तो सर ने 3:40 को कॉल किया, उसका बाद 4 में पहुंच गया सर हम लोग का गेट के बाहर। तो उसके बाद हम लोग आया इधर, नहाया भी नहीं था ऐसे आ गया हो गया। तो मेरा साथ भी कुछ ऐसे हुआ था, मैं मतलब ब्रश कर रहा था उस वक्त शायद 3:40 ऐसा हो रहा था, तब मुझे फ़ोन किया था, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर आया यहाँ पे। फिर ज़्यादा बकवास हो गया, अभी सब रिफ़्रेशमेंट होने के बाद अभी सब लोग घर जाएगा। घर मतलब सब लोग अभी वो करेगा अपना जितना भी सब जो कपड़ा सपड़ा पहनेगा सब फ्रेश होगा, फिर 12 बजे यहाँ पे वो बेल्ट दिया जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखते तो अभी मेरे सामने ये जो जितना भी भाई लोग हैं ये लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं, मतलब हम लोग तो अभी फिलहाल नागालैंड में है या दिमापुर में है, मगर ये लोग भी बहुत दूर दूर से आए। आप कहाँ से आए? हम असम से आए हैं, असम बॉर्डरलैंड बक्सा से। आप? जी हम सेम है। आप लोग सब सेम है? तो आप भी?
तो आप देख ही सकते हैं बहुत दूर से है। अभी लोग आप लोग अभी ब्लैक बेल्ट के लिए अप्लाई किया है ना? हाँ, ब्लैक बेल्ट के लिए अप्लाई किया। अभी प्रैक्टिस तो हो गया है, अभी थोड़ा स्पैरिंग है, उसके बाद अभी पास वाटर पास फुल वाटर फिर ऐसे। ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पारिंग होने वाला है, और उस वक्त मेरे ख्याल से वो अंकल इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मगर स्पारिंग अभी होगा। अभी रिफ्रेशमेंट भी सब तो हो गया, अभी देखते हैं कैसे होता है स्पारिंग। अभी स्पारिंग और भी चलना है, मगर अभी थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक ले रहा है। और अभी अब मेरा यहाँ पे जो वो है ना आदमी, ये ना मतलब लोकल कुंग फू एक फिल्म है, आसाम का बहुत मतलब एक फेमस फिल्म है, तो उसमें ये भी थे और मैं भी इनका थोड़ा फ़ैन ही है। तो मतलब अंदर से पूरा मतलब खुशी का ज्वालामुखी पूरा फूट रहा है, दिल कर रहा है क्या क्या करने का। और ये इन्होंने अभी इन लोगों को थोड़ा सा टेक्निक्स भी सिखाया और मैं भी देख रहा था, और मगर उस वक्त मेरा मोबाइल का बैटरी लो था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा मोड़ा रिकॉर्ड कर पाया, और देखता है अभी कितना रिकॉर्ड कर सकता है। तो स्पारिंग जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो अभी इस जगह में जिन जिन लोगों का बेल्ट का प्रमोशन हुआ है उनको यहाँ पे अभी बेल्ट मिलाया जाएगा। अभी तो ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चेक कर। तो अभी जितना भी सब जो है वो सब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है सबको, जिसको बेल्ट मिल रहा मिल गया। और बहुत सारे लोग अभी फ़ोटो खींच रहे हैं, मैंने भी थोड़ा पता खिंचवाया है, और अभी सब लोग जा रहे हैं। तो अभी इसका मतलब ये हो चुका है कि वीडियो का एंड करने का टाइम हो चुका है, तो हम लोग मिलता है किसी दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए ब्लॉग लाए। मेहनत करने के बाद इतना ना, और अभी खाना जो मिल रहा है ना, अभी अभी घर जाऊंगा ना मैं, और जब बिस्तर में ऐसा पीट पड़ेगा, ओह हो, इतना नींद आएगा ना अच्छा खासा। अरे भाई,